ओके, इससे पहले वीडियोज में हमने जो है ग्रुप की इंटीग्रल पावर को डिस्कस किया था। अब जो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप या टॉपिक है, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप, यहाँ से जो है हम अलग अलग प्रकार के ग्रुप को पढ़ेंगे, यहाँ से जो है नए नए टॉपिक स्टार्ट होंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस हर कंपटीशन एग्जाम में और ये यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में भी आते हैं, और ये बेस है एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का। अभी असली कोर्स जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। ये जो है साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप से हम परिचित हैं, और ग्रुप की इंटीग्रल पावर ये हमने इससे पिछले वीडियो में देखा था। बिना उसके ये जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, ग्रुप का ऑर्डर निकालना और जो है ग्रुप के किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर निकालना, ये मैंने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और इंटीग्रल पावर को ऑर्डर में कैसे डिफाइन करते हैं ये भी हमने जो है इससे पहले वीडियो में देखा था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है साइक्लिक ग्रुप समझने के लिए क्लियर होना जरूरी है। जैसे इंटीग्रल पावर को मैंने क्लियर कर दिया था, अब यहाँ भी ये साइक्लिक ग्रुप जी हमारे पास जो है एक कोई ग्रुप होगा विथ बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हम इससे पहले करते आ रहे हैं। सपोज थोड़ी देर समझने के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, जी इक्वल टू, ये कोई ग्रुप है ई एक्स वाई एंड जेड, चलो ये मान लेते हैं तीन एलिमेंट्स, ये एक्स वाई ही तक लेते हैं, जेड लेने पर जो है ट्रांसफॉर एक नया ग्रुप बन जाता है आगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो एलिमेंट्स लेके बहुत है, या वन टू थ्री भी लिख सकते हैं, एक्स वाई में लिख देते हैं तीन एलिमेंट्स। तो ये तीन एलिमेंट्स मान लेते, कोई भी एनिमल मैंने ग्रुप लिख दिया है जो है ये कोई ग्रुप है। सपोज खाली ये मैंने लिखा है, ये एक आइडेंटिटी होता है ग्रुप में हम जानते हैं, और ये दो अन्य इसके अतिरिक्त एलिमेंट्स हैं, तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए ये कोई ग्रुप है। अब इसमें कम से कम मुझे एक एलिमेंट्स अगर ऐसा मिल जाए, जैसे सपोज एक्स को मैं लेता हूँ, अब मैं एक्स की फर्स्ट पावर लेता हूँ, और ये पावर ध्यान देना इंटीग्रल पावर है, मतलब इस पावर को जो है इस बाइनरी ऑपरेशन के तहत यहाँ ऑपरेट कराना है। तो ये जो है हमारे पास कोई सपोज कोई भी ग्रुप है, तो माना मैंने एक्स की एक पावर ली, तो सपोज मुझे आइडेंटिटी मिल गया, ई मिल गया। इसके बाद एक्स की मैंने सेकंड पावर ली, तो मुझे वाई मिल गया, और एक्स की जो है मैंने तीन पावर ली, तो मुझे अगला एलिमेंट एक्स ही मिल जाए। तो क्या किया मैंने, इस एक एलिमेंट से मुझे ग्रुप के अंतर्गत ऐसा मिल गया जिसको जो है मैं जिसकी इंटीग्रल पावर अगर लेते जा रहा हूँ, तो इस ग्रुप के इंटीग्रल ये एलिमेंट्स मुझे अलग अलग मिलते जा रहे हैं। सपोज ये मैंने जनरल समझने के लिए केवल जो है ले रखा है, कोई भी ये जनरल कोई भी ग्रुप माना, कोई भी ये सपोज, क्योंकि ग्रुप इसी टाइप का होता है, तो एक समझाने का तरीका है। वैसे ये कोई मतलब जनरल ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, या इसको और अगर एक एग्जाम्पल से क्लियर करें, ये एक्स वाई लिया था मैंने एग्जाम्पल से, या ऐसे ही समझते हैं जी कोई जो है ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स मान लेते हैं ई, आइडेंटिटी होता है ग्रुप में वन टू एंड थ्री, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा था तीन एलिमेंट्स। अब मैंने क्या कहा, इसमें जैसे माना मैंने एक एलिमेंट्स लिया यहाँ से वन, अब वन की जो है मैं इंटीग्रल पावर लगाते जाता हूँ वन की, अब ये पावर जो है यहाँ पर निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है। जैसे वन की वन पावर पे मुझे मिल गया सपोज आइडेंटिटी, और वन की जो है मैं सेकंड पावर या माइनस टू पावर लेता हूँ सपोज, हो सकता है वन की माइनस टू पावर पर मुझे टू मिल जाए, एंड वन की थ्री पावर पर मुझे अगला एलिमेंट थ्री मिल जाए, और वन की वन पावर वन या फोर्थ पावर या कोई पर वन मिल जाए। तो यहाँ भी मैंने देखा मुझे एक एलिमेंट्स ग्रुप में ऐसा मिल रहा है जिससे जो है जिसको मैं जो है हर एलिमेंट्स की इंटीग्रल पावर के रूप में यहाँ लिख पा रहा हूँ, या इसी को मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो इस ग्रुप जी का हर एलिमेंट्स जो है इस ए से मैं जनरेट करवा पा रहा हूँ, या इस ए से जो है हर एलिमेंट्स को जनरेट मैं करवा ले रहा हूँ। अगर ऐसी कंडीशन को कोई ग्रुप सेटिस्फाई करे तो वही ग्रुप हमारा साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। साइक्लिक मतलब नाम से ही क्लियर, साइकिल यानी एक साइकिल से। अब ये जो है ये जो एलिमेंट्स है एक एलिमेंट्स की इंटीग्रल पावर में लगाते जाऊं और मुझे उस ग्रुप के एलिमेंट्स मिलते जाएं, और सारे एलिमेंट्स जो है मिल जाए एक एक करके वन बाय वन, चाहे वो पावर माइनस हो पॉजिटिव हो कोई भी पावर हो सकती है, बस इंटीग्रल पावर का ध्यान देना है। तो एक एलिमेंट्स कम से कम अगर मुझे इस जी के अंतर्गत ऐसा मिल जाए, जैसे ये समझाने के लिए मैंने लिया था ये सपोज थोड़ी देर के लिए हम इसको ग्रुप मान लिया हमने, तो यहाँ पर मैंने देखा वन मुझे एक ऐसा एलिमेंट्स मिल गया, वन को मैं जो है इस एलिमेंट्स ये वन की इंटीग्रल पावर में लगाते जा रहा हूँ, तो मुझे इस ग्रुप के एलिमेंट्स वन बाय वन मिलते जा रहे हैं, और सारे एलिमेंट्स मुझे मिल गए सर।
इस कंडीशन में मैं इस ग्रुप जी को साइक्लिक ग्रुप बोलूंगा, और ये जिस एलिमेंट से ये ग्रुप जनरेट हो रहा है या जिस एलिमेंट्स की इंट्रिकल पावर लगाकर जो है मैं ग्रुप के एलिमेंट्स को प्राप्त कर रहा हूँ, वो होता है ग्रुप का जनरेटर, और उसको डिनोट करते हैं इस सिंबल से। तो यहाँ पर ये वन था जो है इस ग्रुप का जनरेटर। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है थ्योरम्स तो हम बाद में करेंगे, इसको एक एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन में बाद में लिख दूंगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं जेड फोर, ये हमने बहुत बार कर दिया, इससे पिछले वीडियो में मैंने यही एग्जाम्पल लिया था। जेड फोर होता है 1 2 3 0 1 2 3, ऐसे डिफाइन था, एडिशन मॉडुलो कैलकुलेशन जो है इसके अंतर्गत थी। और इंटीग्रल पावर का कॉन्सेप्ट हमने इससे पिछले वीडियो में भी समझा है, ये पावर का मतलब मैंने यहाँ क्लियर कर दिया था, ये ऑर्डर समझाते समय पावर का मतलब ये स्क्वायर या क्यूब से नहीं है। यहाँ पर इंटीग्रल पावर मतलब हमने देखना ग्रुप की बाइनरी ऑपरेशन को, उसी के तहत जो है पावर को इस पर जो है ऑपरेट करवाना है, तो इससे जो है हमें ग्रुप के एलिमेंट जनरेट होते जाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है जब भी कभी हमें फाइनाइट ग्रुप मिले तो एक ट्रिक है, बाद में हम इसको थ्योरम करेंगे, तो इस तरह से जो है ये ट्रिक है, और इस ट्रिक से इसको निकाला जाता है। जैसे सपोज हमें इस ग्रुप में, अब ये हमें ग्रुप दे दिया, अब हमसे यही कहेगा कंसीडर करो या कंसीडर जेड फोर इज साइक्लिक ग्रुप और नॉट, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ये ग्रुप है हम जानते हैं, प्रूफ कर चुके हैं हम इससे पहले वीडियो जो मैंने दिखा था, जेड एडिशन मॉडुलो कैलकुलेशन के अंतर्गत जो है ये ग्रुप फॉर्म करता है, ये हम देख चुके हैं, ये एबिलियन ग्रुप जो है फॉर्म करता था, ये हम जानते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये जो ग्रुप बना हमारा एडिशन मॉडुलो कैलकुलेशन के अंतर्गत जो ये ग्रुप है, क्या ये साइक्लिक है या नहीं है, इसको जो है हमें यही आएगा कंसिडर द ग्रुप जेड फोर इज साइक्लिक और नॉट, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा हमको। तो हमने क्या करना है, अब वही साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन मैंने बोला, एक एलिमेंट्स को लेना है और उसकी इंट्रिकल पावर से लेते जानी है, तो ग्रुप के एलिमेंट्स मिलने चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन थी, या एक एलिमेंट से ये पूरा ग्रुप जो है जनरेट होना चाहिए, पूरा का पूरा ग्रुप हमें मिल जाना चाहिए। तो इसको करने के लिए एक ट्रिक होती है हमारे पास, सर्वप्रथम ये करना पड़ता है कि ग्रुप का ऑर्डर हमें निकालना, हमने देखा था पिछले वीडियो में, अगर मैं इस ग्रुप के ऑर्डर की बात करूं यहां, जेड फोर का ऑर्डर निकालूं, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट ग्रुप है यानी 4, सीरियसली 1 2 3 4 हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें से एक ऐसा एलिमेंट हमने चूज करना है जिसका ऑर्डर जो है 4 आ जाए, क्योंकि हमेशा ये थ्योरम अभी आप आगे प्रूव करेंगे, जो ये एक साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर होता है, जैसे यहां पर कोई भी एलिमेंट जो जनरेटर होगा, जनरेटर को मैं ए से दिखा देता हूं सपोज थोड़ी देर के लिए, जनरली जो है जो साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा उसका ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर और ये ग्रुप का ऑर्डर, यहां पर जेड फोर ने रखा है, ग्रुप जो भी है साइक्लिक ग्रुप का जो ये ग्रुप होगा, ये ऑर्डर दोनों सेम होते हैं हमेशा ग्रुप में, ये हम थ्योरम करेंगे आगे को, अर्थात और ये जो जनरेटर का ग्रुप होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के हमेशा इक्वल होता है। तो यही ट्रिक है, तो जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरह से हम लोग पहले, अब यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो है हमें जेड फोर का ऑर्डर मिल गया 4, तो अब यहाँ पर हम ऐसा एलिमेंट से छांटेंगे जिसका ऑर्डर मुझे 4 मिल जाए, और इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ऑर्डर निकालने का मॉडुलो कैलकुलेशन से पिछले वीडियो में देखा था। तो 0 आइडेंटिटी का ऑर्डर मोस्ट केसेज में 1 ही होता है, इसमें जाना ही नहीं है। उसके बाद जो है 1 लेते हैं, अब 1 को देखते हैं, अगर मैं 1 की 4th पावर लूँ यहाँ पर मॉडुलो कैलकुलेशन के अंतर्गत, अर्थात 1 + 1 + 1 + 1 4 टाइम एंड मॉडुलो 4 हो जाएगा ही, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 डिवाइडेड बाई 4 0 मिल गया मुझे, और 0 ही इस ग्रुप के अंतर्गत जो है आइडेंटिटी है। तो यहाँ ये बात प्रूफ हो गई, ये 1 का जो है, ये हमें जो है 1 था, इस 1 का ये 1 का ऑर्डर जो है 4 आ गया, या ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू मिल गया मुझे यहाँ इस ग्रुप के लिए 4। तो सीधी सी बात है, ट्रिक थी इसको निकालने की। तो यहाँ पर जो है ये 1 इस ग्रुप के लिए जनरेटर मुझे मिल गया। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई एलिमेंट्स जो है, एटलीस्ट मैंने कहा था एक एलिमेंट्स को हम जो है इसकी इंट्रिकल पावर के रूप में लिख सकें, ग्रुप के एलिमेंट्स की इंट्रिकल पावर के रूप में लिख पाएंगे, लिख सकें, तो वो कहलाता है जनरेटर। और जो जनरेटर होता है उसका ग्रुप हमेशा, जनरेटर का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आता है। तो इस ट्रिक से जो है हम ये जनरेटर निकाल लेते हैं, पहला जनरेटर हमें मिल गया 4। उसके बाद देखते हैं, हो सकता है एक आध और एलिमेंट्स हो इसमें जिसका ऑर्डर मुझे 4 मिले, शायद 2, जैसे 2 का ऑर्डर निकालेंगे, तो 2 का ऑर्डर ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 2, तो 2 + 2 स्क्वायर यानी 4, हाँ तो 2 का ऑर्डर मिल जाएगा मुझे 2, यानी 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये मिलेगा मुझे 2 बार यानी 0
अर्थात आइडेंटिटी। तो टू का ऑर्डर यहाँ टू ही हो जाएगा, क्योंकि टू प्लस टू फोर एंड डिवाइडेड बाई फोर, सॉरी ये फोर आएगा, फोर डिवाइडेड बाई फोर जीरो, यानी आइडेंटिटी। तो जो ये टू है, टू एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है ये ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है, जी के ऑर्डर के या जेड फोर के ऑर्डर के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम कह सकते हैं टू जो है इसका जनरेटर नहीं बनेगा, वन हमने देखा जनरेटर बनेगा। अब उसके बाद थ्री चेक करते हैं, थ्री का भी ऑर्डर निकालते हैं। अगर यहाँ थ्री का ऑर्डर निकालेंगे तो ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री एंड प्लस थ्री, वन टू थ्री, फोर बार इसको ऐड करेंगे एंड डिवाइड करते हैं फोर से, थ्री सिक्स नाइन यानी ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर यानी जीरो। तो यहाँ जो है थ्री टू द पावर फोर इक्वल टू भी जीरो या आइडेंटिटी मिल रहा है। तो इस थ्री का भी जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ थ्री इक्वल टू आ जा रहा है ऑर्डर ऑफ जेड फोर। तो यहाँ पर दो मुझे जनरेटर्स मिल गए, वन भी इसका जनरेटर हो गया और थ्री भी इसका जनरेटर हो गया, क्योंकि जो है वन और थ्री दोनों ही का ऑर्डर जो है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा है। एक से अतिरिक्त भी जनरेटर हो सकते हैं, मतलब ग्रुप के अंतर्गत जो है एक से अतिरिक्त एलिमेंट्स को भी हम जो है इंटीग्रल पावर के रूप में ग्रुप की, ये ग्रुप के एलिमेंट्स की इंटीग्रल पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो था इसको निकालने का ट्रिक। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ग्रुप का ऑर्डर निकालना है और ऐसे एलिमेंट्स इसमें से छांटने हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाए। तो वही एलिमेंट्स जो है इस ग्रुप के जनरेटर्स होते हैं या जनरेटर्स कहलाते हैं, जैसे यहाँ वन और थ्री मिल गया। अब वन से हम देखते हैं, देखो वन की अगर डिफरेंट इंटीग्रल पावर हम लेते जाएंगे वन और थ्री दोनों के लिए, तो इसी ग्रुप की हमें पावर से मिलती जाएंगी। जैसे वन की पावर सपोज वन लेते हैं तो ये वन आ जाएगा, उसके बाद वन की पावर मैं अगर टू लूंगा तो ये हो जाएगा वन प्लस वन, मॉडुलो फोर है कैलकुलेशन, तो ये मिल जाएगा मुझे टू, यानी रिमाइंडर टू ही आएगा यहाँ पे। तो टू एलिमेंट्स मुझे मिल गया। फिर वन की थ्री पावर लिया मैंने, वन को थ्री बाद ऐड करना है, वन प्लस वन प्लस वन यानी थ्री, यानी ये फोर से डिवाइड करने पर थ्री रिमाइंडर आ जाएगा। अगला उसके बाद जो है वन की पावर फोर लेते हैं, वन की पावर फोर अभी हमने देखा था जीरो मिल गया था तो ये जीरो आ गया। तो इस तरह से हमने देखा वन से ये ग्रुप के सारे एलिमेंट्स जो है जनरेट हो गए, या ये वन की मैंने इंटीग्रल पावर से ली तो इस ग्रुप के मुझे सारे एलिमेंट्स वन बाय वन यहाँ पे मिल गए। तो एक तो इस ग्रुप के लिए मुझे वन जो है जनरेटर मिल गया। उसके बाद थ्री से भी हम चेक कर सकते हैं, थ्री की फर्स्ट पावर ये आई थ्री, उसके बाद थ्री सेकंड पावर यानी ये हो जाएगा थ्री प्लस थ्री मॉडुलो फोर, थ्री थ्री सिक्स यानी रिमाइंडर टू, फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो है टू यानी सिक्स हो जाएगा, फोर से डिवाइड करेंगे यानी टू, तो ये हो जाएगा दूसरा एलिमेंट। उसके बाद थ्री की पावर थ्री ले लेते हैं तो ये थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री यानी ये हो जाएगा नाइन डिवाइडेड बाई फोर, तो ये बच जाएगा हमारा वन। तो कितने एलिमेंट्स हो गए, एक एलिमेंट्स मिल गया, दो मिल गया यानी हाँ। और उसके बाद हमने अभी देखा था थ्री पावर फोर ये भी मिला था हमें थोड़ी देर पहले जीरो। तो थ्री की इंटीग्रल पावर मैं लेते रहा तब भी मुझे जो है ये ग्रुप के ही सारे एलिमेंट्स जो है मिल गए। तो इस तरह हमने देखा ये जेड फोर जो है साइक्लिक ग्रुप का एग्जाम्पल है और इसके दो जनरेटर्स हैं वन एंड थ्री। तो ये था साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है अब मैंने देखा ये साइक्लिक ग्रुप में, हमने देखा इसमें जेड फोर में दो जनरेटर्स मिल रहे थे। अब इसके कितने जनरेटर्स होते हैं, दो तरह का होता है देखो फाइनाइट, अब हमने पढ़े हैं अभी तक ऑर्डर में भी मैंने देखा था ग्रुप जो है फाइनाइट भी था और इनफाइनाइट भी था। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट में थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है, फाइनाइट ग्रुप भी जो है साइक्लिक होता है और इनफाइनाइट ग्रुप भी साइक्लिक ग्रुप बनते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है, अभी बोला मैंने ग्रुप का जो ऑर्डर होगा साइक्लिक ग्रुप में, ग्रुप का ऑर्डर उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल आता है। ये तो हमने जो है इस तरह से फाइनाइट यूएस सेट में हमने फाइनाइट ग्रुप में हमने देखा ये ट्रिक थी, ये ग्रुप का जनरेटर ग्रुप के जनरेटर को निकाल लेंगे, ये इसको थ्योरम के रूप में भी हम आगे प्रूफ करेंगे। और दूसरा जो है मैंने बोला इनफाइनाइट ग्रुप भी जो है, हमारे जो इनफाइनाइट ग्रुप्स होते हैं ये भी जो है साइक्लिक ग्रुप फॉर्म करते हैं। और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ट्रिक ये है, इसमें हमेशा दो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं बस केवल। अगर कोई जैसे जेड प्लस जो है हम देखें तो इसको अभी बाद में करेंगे, जेड प्लस ग्रुप था और ग्रुप होने के साथ साथ जो है साइक्लिक ग्रुप भी फॉर्म करता है। ऐसे बहुत से इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसमें जनरेटर्स केवल टू होंगे, प्रिसाइजली टू होंगे। और ये इसको भी प्रूफ करेंगे थ्योरम को, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जो है केवल दो जनरेटर होंगे
और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में जनरेटर निकालने का हमने ट्रिक देखा, लेकिन वो होते कितने हैं इसके लिए हम अगले कॉन्सेप्ट में, जो एक कॉन्सेप्ट आता है आइलर थाई फंक्शन का, उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये साइक्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट था, इसको मैं आप थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, लेट जी बी एन ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स एन एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू जी सच दैट यहां लिख देता हूं सच दैट लेट जी बी एनी ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट्स Every elements of G can be expressed as a integral power as a integral power of A. Then G is called cyclic. Then G is called cyclic and A is called its generator. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, इसको एक एग्जांपल से हमने समझा, बाद में मैंने इसकी डेफिनेशन को लिख दिया। लेट जी बी एनी ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स ए बिलोंग टू जी सच दैट एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इंटीग्रल पावर ऑफ ए देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक। ये कंडीशन जो अभी मैंने करके दिखाया था, इसको थोड़ा सा और अगर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं तो जी इक्वल टू होता है ए टू द पावर एन ये सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। यही मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने यहां लिख दिया है, इंटीग्रल पावर, एक ही एलिमेंट्स एक ही इंटीग्रल पावर के रूप में अगर सारे एलिमेंट्स को लिखा जा सके तो हम ग्रुप को बोलते हैं साइक्लिक, या ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जो है एक ही एलिमेंट से हम जनरेट कर पाए, एक ही एलिमेंट से सारे एलिमेंट्स को हम निकाल पाए, दोनों बातें, तो हम जी को बोलते हैं साइक्लिक। वही चीज मैंने लिख दिया है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इंटीग्रल पावर ऑफ ए देन जी इज कॉल्ड साइक्लिक एंड ए इज कॉल्ड इट्स जनरेटर। और मैंने बता दिया था जनरेटर को जो है इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर ए जनरेटर है इसका, ये दिखाने का तरीका होता है, या इसको मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में फिर लिख देता हूँ, जी इक्वल टू मैंने बोला ये सपोज कि ए से ये ग्रुप जनरेट हो रहा है तो ये इसका स्टैंडर्ड नोटेशन ए टू द पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जी। तो ये होता है साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन, ये मैंने जो है इस रूप में भी लिख दिया, और ये जो है ए से जनरेट हो रहा है तो ये ए टू द पावर एन हर एलिमेंट्स को, फॉर एवरी जो है ये हर एलिमेंट्स को जो है हम एक एलिमेंट्स की इंटीग्रल पावर के रूप में, कम से कम एक एलिमेंट्स की इंटीग्रल पावर के रूप में अगर किसी ग्रुप में लिख पा रहे हैं तो वो ग्रुप जो है साइक्लिक ग्रुप होगा। और इसका बेस्ट ये एग्जांपल हमने जेड फोर किया भी देखा, इसके कुछ और एग्जांपल करेंगे और इसके जनरेटर पर से भी जो है बात करेंगे। तो अभी जो है थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, वन बाय वन जो है इसके इसको करते रहेंगे आगे।